नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट का उपयोग शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है। नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट का उपयोग मुख्य रूप से पेशाब में इन्फेक्शन होने पर, किडनी में इन्फेक्शन होने पर और यूरिन ब्लैडर में इन्फेक्शन होने पर नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। पेशाब में इन्फेक्शन होने पर पेशाब करते समय जलन होना, बार बार पेशाब के लिए जाना, पेशाब से बदबू आना आदि लक्षण पेशाब में इन्फेक्शन होने पर हो सकते हैं। और यदि पेशाब का इन्फेक्शन किडनी तक पहुँच जाता है तो कमर में दर्द, उल्टी आने का मन होना और बुखार होना आदि लक्षण भी हो सकते हैं। नॉरफ्लोक्सासिन एक सॉल्ट नेम है। नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट को नॉरफ्लोक्स आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट 200 mg व 400 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आने का मन होना, चक्कर आना, नींद न आना, बदहजमी, त्वचा पर रैशेस, पेट में दर्द, कब्ज और दस्त हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट को खाना खाने से एक घंटे पहले या खाना खाने के दो घंटे बाद लेना रिकमेंडेड होता है। नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट के साथ दूध, दही, लस्सी और अन्य दूध से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर नॉरफ्लोक्सासिन 400 mg टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और इन्फेक्शन की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। आपको नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट को उतने समय तक पूरा लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट को लेने की सलाह दी है, क्योंकि नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इन्फेक्शन वापस आ सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किडनी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि लिवर और किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।